यहाँ से दूर जाओ चिड़िया, जाओ यहाँ से। राजकुमार लल्लू ये बहुत बुरा है। शुशु जाओ यहाँ से, आओ। राजकुमार लल्लू मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो कहाँ छुपे हुए हैं? मैंने आपको ढूंढ लिया। मैंने क्या किया, ये सेब मेरे ऊपर गिरा, अब मुझे इसे खाना चाहिए। कीड़ा। उसमें बहुत सारे कीड़े हैं। ये तो बहुत गलत बात है, वो तो हर जगह है और वो सारे सेब खा रहे हैं। बाबू कीड़ों को पकड़ के कोको की मदद करते हैं। देख के बच्चों, मुझे माफ कर दो। क्या तुम ही कोको हो? मेरा नाम कुमार है, कोको मेरे बड़े भाई का नाम। वो अभी कुछ हफ्तों के लिए बाहर गए, ये बगीचे की जिम्मेदारी मुझे देकर। तो ये लकड़ी की चीजें किस लिए है? वहाँ देखो, मुझे ये चाहिए दीवार ठीक करने के लिए। दीवार के बारे में सोचना छोड़ो, उधर कीड़े पेड़ पे सारे सेब खा रहे हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। वो क्या, कीड़े? चंदा, क्या हुआ चंदा? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बाबू डब्लू स्क्वाड, हमारी मदद करो। राजकुमार लल्लू और बाबू, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। बबलू डब्लू स्क्वाड चलो। बबलू स्क्वाड चलो चले। वो और जगह है। अरे नहीं नहीं, ये तो बर्बादी है, बड़े भैया बहुत गुस्सा करेंगे। आप घबराओ मत, हम बबलू डब्लू स्क्वाड हैं और हम आपके बगीचे को बचा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे कीड़े, वो सारे सेब खा जाएंगे, अब हम क्या करें? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत अजीब है। ठीक है, हम इसे जरूर ठीक कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं दीवार बाद में ठीक कर लूंगा, मैं इसे रख दूंगा। मैं अभी आता हूँ। अच्छा निकू, इसके लिए तुम क्या सोचते हो बताओ जरा। बहुत आसान है, हमें बस उन्हें हाथों से निकालना होगा। गया। तुम्हें पता है, हमें चिड़ियों की मदद की जरूरत है, वो कीड़े बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं। हाँ तुमने सही कहा, काश मैंने इसके बारे में सोचा होता। चलो उनसे पूछते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमार लल्लू, पंछियों को कीड़े पसंद होते हैं, पर ये अजीब है, मैंने उन्हें देखा नहीं। ये सच नहीं है। हा? हमने एक देखा था जब हम खेल रहे थे। राजकुमार लल्लू आपने उसे शो किया था, याद है? हाँ, चलो उनसे जाके मदद मांगते हैं। मैंने अभी अभी चिड़िया को भगाया, और अभी कीड़े, ये कभी खत्म नहीं होता। उन चिड़ियों ने कीड़ों को लाए होंगे, अभी उनको इस गलती की सजा मिलेगी। बाबू दोनों तरफ देखो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, समझ गए? ठीक है। कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? वो मैं ही था, तुमने हमें बेघर कर दिया। दोस्तों तैयार हो, इसको पकड़ो, पकड़ो उसे। मदद करो, अब इन्हें क्या हो गया? हमें कैसे पता होगा कि क्या हो रहा है? बस बहुत हुआ, बंद करो आप। सुनो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। पहले भगाया और अब मदद चाहिए। तुम्हें यकीन है कि वो मेरा जुड़वा नहीं था? हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उसने तुम्हें भगाया, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया?
सबसे पहले ऐसा हुआ, राजकुमार लल्लू ने मुझे वहाँ से भगा दिया जो हमारा अपना घर था, और हमारा घर तोड़ दिया जहाँ हम रहते थे। लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी। वो सही कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो तुम नहीं थे तो और कौन था जिसने ऐसी हरकत की? मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं यहाँ कीड़ों को पकड़ने में तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। सब लोग शांत हो जाओ, लड़ने से ये ठीक नहीं होगा। छोटे पंछियों, चलो ढूंढते हैं वो कौन था और वो कैसे दिखते हैं। उसने सर पर हेलमेट और एक बड़ा कवच पहना था और बड़ा जाल था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो मैं नहीं था। छोटे चिड़िया, ये हम पर छोड़ दो, हम उसे ढूंढ लेंगे जिसने आपके घोंसले को तोड़ दिया। चलो आओ चिड़िया, मैं तैयार हूँ। दोस्तों वहाँ देखो, उठ जाओ बड़ी। इसे क्या हो गया? उन्होंने हमारा घोंसला तोड़ दिया। वो उस तरफ गए हैं। वो वहाँ है। संभाल के। ये क्या था? क्या तुम सब ठीक हो वहाँ पे? हम ठीक हैं। इतने सारे चिड़ियों के घोंसले तो क्या घोंसले तोड़े हो? मेरी बर्फ की शक्ति 1 2 3। ये क्या कर रहे हो? आपने सब घोंसले तोड़ दिए, ये चिड़ियों का घर है। हाँ, और उन्होंने मुझ पर ब्लेम लगाया और इतना सब कुछ कि मेरा सर अभी भी दर्द हो रहा है। वो सच कह रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बाहर देखो, उन्होंने सारे एप्पल खराब कर दिए। तुमने देखा? इन सारे के सारे एप्पलों में छेद है। ये सारा काम चिड़ियों का है। मुझे नहीं लगता। ये देखिए। सुनिए सर, ये गड्ढे कीड़ों ने किए हैं, पंक्षियों ने नहीं। आपने गलत समझा। मुझे माफ करना। पंक्षी और ये कीड़े एक दूसरे के दुश्मन हैं। आपने उनके घर तोड़ दिए, इसलिए पंक्षियाँ चली गईं। अगर वो लोग नहीं होंगे तो कीड़े वो सब कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे माफ करना, ये सब कुछ नया है मेरे लिए, मैंने गड़बड़ कर दी। रुको, अभी इतना देर नहीं हुई है। पहले घोंसले को वापस बनाते हैं, फिर उसके बाद चिड़ियों से माफी मांगेंगे। बिल्कुल, चलो ये करते हैं। WW स्क्वाड, शुक्रिया। आज हमने आपकी वजह से पूरे बगीचे को बचा लिया। तुम्हें पता है, तुम्हें चिड़ियों को शुक्रिया बोलना चाहिए। आप सही कह रहे हो, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा कैसे करूं? ये सब कुछ के लिए माफ करना, आगे से नहीं होगा। कोई बात नहीं। और सुनो, आप इन चिड़ियों के साथ मिलकर रहेंगे? हाँ बिल्कुल, आज के बाद से मैं कभी घोंसला नहीं तोड़ूंगा। मिशन पूरा।